नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिजनेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन इंडियन इंडाइसेस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, क्या मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है या करेक्शन आने वाला है, और हेल्दी करेक्शन आएगा कि नहीं, ये सारे देखेंगे। और ग्लोबल इंडेक्स के बारे में देखेंगे, चाइना मार्केट्स, US मार्केट्स और SCX कैसे चल रहे हैं। फिर हम देखेंगे स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं इंट्राडे में, और FIDII का डेटा देखेंगे। दोस्तों, अगर बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स का क्लोज हुआ था 0.3% नीचे, और सेंसेक्स 0.08 फ्लैट क्लोज हुआ था सेंसेक्स। निफ्टी की बात करें तो वो भी 0.36% नीचे हुआ था। कल सबसे ज़्यादा गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आ गई है। आई थी 2.17% से ज़्यादा नीचे मिड कैप इंडेक्स गिरा है, यानी मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादा कल के दिन गिरे। दोस्तों, अगर आज की बात करें तो 18,400 ये एक स्टॉप लॉस लेवल है, ठीक है, सपोर्ट लेवल है। 18,400 ऐसे लगा कर आप होल्ड कर सकते हो। टारगेट आपको 18,550, अगेन 18,604 जो लाइफ टाइम हाई है वो उसको भी ब्रीच कर सकता है आज के दिन निफ्टी। अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो SGX निफ्टी ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अगर हम जापान की बात करें, निकी 0.6% 191 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अच्छी बात है। पूरे US में, जापान में मार्केट स्ट्रांग है, तो निफ्टी में भी आज निफ्टी उठ सकता है, न्यू लाइफ हाई बना सकता है। दोस्तों, अगर न्यूज़ की बात करें जो फोकस में रह सकता है, तो ACC आज का रहेगा। कंपनी रिपोर्टेड शार्पली हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑन प्रॉफिट एट ₹449 करोड़ अगेंस्ट 363 करोड़, और रेवेन्यू रोज बाई 3,748 करोड़ अगेंस्ट 3,537 करोड़। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी हुई है, पहले सिर्फ 363 करोड़ था, वहाँ से अभी 450 करोड़ तक आ गया है, यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है ACC का। तो सीमेंट स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं, ग्रासिम, ACC, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये चारों स्टॉक्स जो है सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं दोस्तों, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो इंट्राडे में। फिर नेक्स्ट जो है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, द कंपनी रिपोर्टेड हाईएस्ट स्टैंडर्ड प्रॉफिट एट ₹444 करोड़ एज कम्पेयर टू 303 करोड़ इन लास्ट ईयर। बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, और नेट प्रीमियम इनकम जो इंश्योरेंस कंपनी से प्रीमियम मिलता है, राइट, तो नेट प्रीमियम इनकम जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 9,286 करोड़ फ्रॉम 8,572। बहुत अच्छा रिजल्ट है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, तो इसमें HDFC लाइफ भी उठ सकता है, SBI लाइफ भी उठ सकता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और सीमेंट स्टॉक्स, ये दोनों सेक्टर को आज फोकस कर सकते हो, आज के दिन इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, FIS की बात करें तो देखिए, कल FIS ने 505 करोड़ का सेलिंग की थी, और DIS ने 2,578 करोड़ की सेलिंग की थी। कल के दिन मैं आपको बताया था, अगर DIS और FIS दोनों सेलिंग करते ज़्यादा तो मार्केट गिर सकता है, तो अगर देख पाएंगे तो DIS से बहुत ज़्यादा सेलिंग की है, 2,578 करोड़, मतलब जितना भी उन्होंने पैसा लगाया बहुत दिनों से, पूरा पैसा अभी निकाल रहे DIS। अगर आज के दिन भी उन्होंने ऐसे सेलिंग किया DIS ने, तो और मार्केट गिर सकता है, और एल्स अगर इन्होंने इतने करोड़ के अगर शेयर्स बाई किए आज के दिन, तो मार्केट 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स ईजिली इंट्राडे में उठ सकता है, और वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन अगर उठेगा, तो थर्सडे की एक्सपायरी जो है वो ईजिली 18,800 के लेवल्स पे होगी। जी हाँ दोस्तों, 18,800, यानी यहाँ से 350 से 400 पॉइंट निफ्टी और उठ सकता है ये दो दिन में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है, तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें, थैंक यू।